आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था, वो था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, उसकी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। अब हम जिस नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में है वो है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, तो अगर हम बात यूनिफॉर्म मोशन की करें, यूनिफॉर्म मोशन अगर हम सिंपली बात करें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो ये होता है कि अ मोशन ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट ए पे है और वो बी तक जा रहा है, उस बीच में उसने कुछ डिस्टेंस चली ओ पी क्यू। अब ये डिस्टेंस उसकी सपोज करिए उसने 5 मीटर्स थी, फिर ये नेक्स्ट वाली भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर और ये वाली डिस्टेंस भी 5 मीटर। एक 5 मीटर चलने में उसकी जो कांस्टेंट टाइम लगा, उसको जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम लग रहा था, वो लगता है 2 सेकेंड्स। नेक्स्ट वाले में फिर 2 सेकेंड्स, फिर 2 सेकेंड्स और फिर अगेन 2 सेकेंड्स। तो यानी कि डिस्टेंस जो है वो 5 5 मीटर्स के गैप में है और जो टाइम है वो 2 2 सेकेंड्स के गैप में है। तो अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो हम ग्राफ में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। एक्स पे हम टाइम को प्लॉट करेंगे और वाई पे हम डिस्टेंस को प्लॉट करेंगे। ठीक, टाइम को हम जब प्लॉट करते हैं तो सेकेंड्स में यूनिट रहेगी और ये वाली यूनिट रहेगी मीटर में। इसी ग्राफ को हम बोलते हैं डीटी ग्राफ, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये हमारा ओरिजिन है ओ। अब उसकी जो फर्स्ट जगह वो कितना था, 5 मीटर्स ये चला, यानी कि यह चला 5 मीटर। अगेन वो 5 चलेगा तो ये हो जाएगा 10, नेक्स्ट 5 चलेगा तो ये हो जाएगा 15 और नेक्स्ट 5 चलेगा तो ये हो जाएगा 20। फर्स्ट 5 मीटर वो चलता है 2 सेकेंड्स में, नेक्स्ट चलता है अगेन 2 सेकेंड्स तो ये हो जाएगा 4, फिर नेक्स्ट चलेगा अगेन तो 6 एंड 8। अगर मैं इनको ग्राफिकली एक्स एक्स और वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट्स को मिलाऊं, तो ये देखिए ऐसे यहाँ पे इधर और ये, इनके सारे पॉइंट्स को जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमें क्या देखने को मिला, एक स्ट्रेट लाइन हमें मिली, एक स्ट्रेट लाइन। तो कंडीशन क्या थी स्ट्रेट लाइन के लिए, कि इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए ट्रेवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक, इसी तरीके के ग्राफ को हम बोलते हैं ये, अच्छा ये जो है यूनिफॉर्म मोशन, ये जो ग्राफ है इसी ग्राफ को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म ग्राफ, या फिर इसको हम बोल सकते हैं लीनियर ग्राफ, या इसी को हम बोलते हैं लीनियर मोशन। क्यों लीनियर मोशन है, कि कांस्टेंट चल रहा है ये ग्राफ है, ये पूरा का पूरा कैसा है कांस्टेंट, यानी ये स्लोप आ रही है ये है कैसी, कांस्टेंट स्लोप। ठीक, इसी जगह अगर हम बात करते हैं किसकी, नॉन यूनिफॉर्म की, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो टाइम तो हम सेट कर सकते हैं, सपोज करिए हमने एक पूरे के पूरे स्केल में 5 5 सेकेंड्स के उस पे गैप बना दिया टाइम के लिए। ठीक, अब तो अब डिपेंड क्या करता है कि हमारी जो कार या हमारी जो ऑब्जेक्ट या बॉडी है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रही है उसमें। जैसे कि हमने ऐसी रोड थी, इस रोड पे जैसे यह हाईवे रोड है, इस पे हमारी ये कार चल रही थी। अब पता चला कि पहले 5 सेकेंड्स में
कार ने डिस्टेंस चला 5 मीटर, फिर आगे जाके यहाँ पे कुछ क्राउड हो गया, तो अब क्या हुआ, अब अगला जो 5 सेकेंड्स होंगे उस 5 सेकेंड्स में वो केवल मुश्किल से 1 मीटर चल पाई बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक एंड द क्राउड। फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड्स के अंदर उसने 2 मीटर्स चला, ठीक। फिर अगर हमने देखा कि अगले 5 सेकेंड में द कार इज स्टॉप देयर ओनली बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, तो फिर 5 सेकेंड्स हो गए और कार वहीं रुकी हुई है, अभी भी कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया उसने। फिर अगेन 5 सेकेंड्स बाद हमने देखा उसने फिर से 5 मीटर चल लिया। तो यहाँ क्या हुआ, पहला वो कितना चला 5 मीटर, देन 1 मीटर, देन 2 मीटर्स और देन लास्ट में 5 मीटर। उस बीच में कुछ टाइम के लिए रुका रहा, पर टाइम कितना हुआ हमारे पास, 5, देन अगेन 5, देन 5, 5, ये तो हमने फिक्स कर लिए अपने, पर लेकिन हमारी डिस्टेंस जो है वो क्या हो गई, अनइक्वल। तो जब ऐसी चीज होती है इसमें हमें अनइक्वल डिस्टेंस मिले और इक्वल इंटरवल टाइम मिले, तो हमारे जो ग्राफ बनता है एक्स वाई में, यानी डीटी ग्राफ जो होगा वो होगा नॉन लीनियर, वो होगा नॉन लीनियर। और वो ग्राफ हमेशा कैसा होगा, या तो ऐसे कर्व में आएगा इसमें, या फिर इस वाले कर्व में, ये हमारा डिस्टेंस है, ये टाइम, ये डिस्टेंस, ये टाइम, या फिर हमें कभी भी कोई वैल्यूज मिलेंगी जैसे सपोज करो इसी के अंदर, तो हमें ऐसे करके कुछ भी ग्राफ मिल सकता है। इट कैन नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ कर्व में हो सकता है कैसे भी, पर लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो वो कैसा होगा, हमेशा नॉन यूनिफॉर्म। अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो यही वाला एग्जाम्पल हो गया कि एक कॉन्स्टेंट, यानी कि हाईवे पे कोई व्हीकल जो है हाईवे पे चल रहा है, तो उसका टाइम पीरियड सही है और वो कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ, एक जो व्हीकल है वो कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो कॉन्स्टेंट स्पीड में मूव करेगा तो वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और टाइम इंटरवल भी सेम रहेगा। पर लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म में हम एग्जाम्पल और देख सकते हैं किसका, ट्रेन का। जो ट्रेन होती है वो क्या करती है, स्टेशन से, जब स्टेशन से चलती है तो उसकी स्पीड कम होती है, तो वो डिस्टेंस भी कम ट्रेवल करती है, पर लेकिन टाइम पीरियड उतना ही चलता है। फिर आगे जब चलती जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है और डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करती चलती है, पर लेकिन टाइम पीरियड वहाँ पे भी सेम होता है, तो फिर चेंज हो गया। और जैसे ही स्टेशन आने वाला होता है नेक्स्ट, तो फिर क्या होता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है और डिस्टेंस भी कम ट्रेवल करने लगती है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिस्टेंस अनइक्वल होता जा रहा है हर बार, यानी डिस्टेंस नॉट इज नॉट कॉन्स्टेंट और सेम। टाइम को तो हम ले सकते हैं सेम, यानी कि हम टाइम पीरियड तो हमने सेम उसमें अंदर पार्टीशन पार्टीशन कर लिया, पर डिस्टेंस सेम नहीं हो रही है हर बार, तो ये कैसा मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अब स्पीड एंड वेलोसिटी। हम पहले स्पीड को देखेंगे, स्पीड क्या है, तो अगर हम डेफिनेशन के टर्म्स में बात करें सबसे पहले, तो स्पीड इज व्हाट, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। ये तो हो गई डेफिनेशन हमारी, आगे क्या होगा, ये तो मैं क्या, स्पीड ऑफ अ बॉडी, बॉडी इज दस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। सिंपली अगर हम देखें तो अगर हम डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला देखें तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है, ठीक। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, तो क्या कह रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज वॉट, स्पीड, यही हमारी स्पीड होती है, ठीक। अब इसको और कैसे देखेंगे, इसकी यूनिट क्या है, देखो तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, सेकंड पॉइंट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि स्पीड जो है इट्स ओनली हैविंग द मैग्नीट्यूड, इसके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इस पे कुछ भी नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, 25 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या हो रही है, केवल उसकी क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू बता रहा है, पर लेकिन कोई भी डायरेक्शन नहीं है। नेक्स्ट इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। इसको ड्राइव कैसे किया, क्योंकि देखो ड्राइव यूनिट है ना ये, कैसे किया, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है, ठीक। स्पीड के लिए, अब डिस्टेंस तो हमारा क्या फंडामेंटल यूनिट, नहीं लेंथ के मेजरमेंट में आती है और टाइम इज द फंडामेंटल, ये भी हमें पता है, और लेंथ को हमेशा मेजर करते हैं किस में, मीटर में, और टाइम का
मेजर करते हैं हमेशा हम सेकेंड्स में, तो ये हमारे पास बन गई क्या, मीटर पर सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और मीटर सेकेंड इनवर्स ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये होगा इसकी क्या एसआई यूनिट। ठीक, इसी की एक हायर यूनिट और होती है जिसको हम बोलते हैं किलो मीटर पर आर। ठीक है, ये हो गया मीटर पर सेकेंड, ये होता है किलोमीटर पर आर, यानी किलोमीटर पर आर या फिर के एम एच इनवर्स ये भी लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है, अगर हमें कन्वर्ट करना है किससे, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आर में, तो क्या करना पड़ेगा। देखो ये दोनों चीजें कन्वर्जन की हैं, या तो इसको इससे कन्वर्ट करना या इसको इससे कन्वर्ट करना हो, तो क्या करते हैं हम, सिंपल से जो अगर याद रखने वाले बात है वो, किलोमीटर पर आर को अगर हम मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हम जस्ट भी सिंपली मल्टीप्लाई बाय 5/18। सपोज करिए यहाँ पे दे रखा है 84 किलोमीटर पर आर, और वी नीड टू कन्वर्ट इन मीटर पर सेकेंड, तो हम क्या करेंगे 84 × 5/18। बस इससे हमारे यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। अगर उसी की तरह हमें क्या करना है, अब सपोज करिए यहाँ दे रखा था 25 मीटर पर सेकेंड एंड वी नीड टू कन्वर्ट इन किलोमीटर पर आर, तो हम क्या करेंगे, वी जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई बाय, इसका रेसिप्रोकल कर दो 18/5, खत्म 18/5। ठीक, बस इतना करना है, तो यहां से हो जाएगा 5 times, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कन्वर्जन हो गया। तो हमें सिंपल से याद क्या रखना है नोट में, कि जब भी हम किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में करते हैं तो 5/18 करेंगे, और जब भी हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में करेंगे तो हम 18/5 करेंगे। करने को हम एक चीज और कर सकते थे, जैसे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 आर इज इक्वल्स टू, इसको सेकंड में करेंगे तो 60 मिनट × 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा सेकंड्स में। तो इसको करके हमें लिखना पड़ता 1000/ इतना, तो इतना लंबा पूरा ट्रिक वो घूमने से अच्छा है कि हम डायरेक्टली क्या यूज करें, 5/18 and 18/5। नेक्स्ट पॉइंट स्पीड में, जो हमारा गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है, नोट में देख लो, स्पीडोमीटर क्या है ये, इट इज अ डिवाइस विच मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल। अब ये वाली स्पीड खाली सिंपल स्पीड नहीं करता है, यहां पे एक टर्म अभी हम आगे पढ़ेंगे, दैट विल बी अ इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये जो मेजर करता है वो क्या करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे होता क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड। हमने अभी देखा क्या कहते हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या लिखते थे हम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम सिंबल के फॉर्म में देखें, सिंबलिक फॉर्म में, तो हम स्पीड को जो डिनोट करते हैं वो करते हैं हल्का सा भी और ऐसे करके, डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करेंगे एस से, एंड द टाइम इज बीन डिनोटेड बाय स्मॉल टी। तो अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वी इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, ये हो गया फॉर्मूला स्पीड का। ठीक, तो यहाँ पे ये हमारे क्या आ गया, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कंफ्यूज मत होना, कि कंफ्यूज मत होइएगा कि जैसे जो एस दे रखा है वो हमारा स्पीड है, नहीं यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं एस को इससे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोई इशू नहीं है, पर लेकिन हम डिनोशन अगर देखेंगे सिंबलिक फॉर्म में तो हम ऐसे डिनोट करते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक जो इसी के अंदर है, अभी स्पीड ही हम पढ़ रहे हैं, तो स्पीड में हम पढ़ेंगे अब यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सिमिलरली जैसे कि हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, ऐसे ही हमारा यूनिफॉर्म स्पीड होगा। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे किसमें, इक्वल इंटरवल टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो जो जो स्पीड उस टाइम मेंटेन हुई होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दैट विल बी कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, उसी जगह अगर हम यहां बात करें, अच्छा इसमें एक चीज और है,
इंटरवल कितने भी छोटे हो सकते हैं, इंटरवल जो हो सकते हैं कैन बी स्मॉल, इंटरवल कैन बी स्मॉल, ठीक है, कितने भी छोटे इंटरवल हो सकते हैं उससे मतलब नहीं है। पर लेकिन अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है इक्वल इंटरवल टाइम में उस स्पीड में, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हम यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस करें ट्रेवल ट्रेवल करें किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हम स्पीड के टर्म में बात हो रही है अभी सारी, वहां पे मोशन की बात हो रही थी, मोशन में भी स्पीड ही डिस्टेंस है ना, पर यहाँ पे स्पीड के लिए बता रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ग्राफ सेम रहेंगे इसके भी, है ना, इसके ग्राफ भी कैसा होगा स्ट्रेट लाइन, उसका ग्राफ कैसा होगा कर्व में, ठीक। मोस्टली जो हमारे क्लास 9th में पूछते हैं वो हमारे डीटी ग्राफ में से यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही पूछते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट जो हमारे सी के अंदर टॉपिक है यूनिफॉर्म स्पीड में, वो हम पढ़ते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्यों पढ़ते हैं हम एवरेज, अगर कोई जर्नी चल रही है तो उसमें वो कार ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट तक पहुंच रही है, तो उस ए से बी तक पहुंचने में उसने जो बार बार स्पीड अपनी उसकी चेंज हुई, उस पूरी स्पीड और उस पूरी डिस्टेंस के हमें क्या निकालना पड़ता है, उसकी पूरी एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी कि इस पूरी जर्नी ए टू बी में उस कार की एवरेज स्पीड कितनी रही। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम सिंपल सा फॉर्मूला लिखते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। कैसे निकालेंगे, जैसे क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर न्यूमेरिकल को समझने के लिए, तो क्या दे रखा है, इफ अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट 60 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड नेक्स्ट 60 किलोमीटर इन 3 आवर्स, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ कार। तो हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन कि हमें दिया क्या है, तो वो कह रहा है फर्स्ट ट्रेवल यानी कि पहली डिस्टेंस जो चलता है वो, यानी कि S1 जो चलेगा वो कितना है 60 किलोमीटर, कितने टाइम में, यानी कि T1 हो गया हमारा 2 आवर्स। फिर हमारा नेक्स्ट वो बोल रहा है S2, ये चलता है हमारा 60 किलोमीटर अगेन, और टाइम कितना दे रखा है अब इसके अंदर T2 3 आवर्स। तो हमें पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एवरेज स्पीड, यानी कि क्या होगा, S1 + S2 अपॉन T1 + T2, S1 60 + 60 अपॉन 2 + 3, ठीक, कितना होगा ये 120, और ये हो जाएगा आपका 5। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना हमारा 24 किलोमीटर पर आर। क्यों आया, क्योंकि ऊपर यूनिट किलोमीटर और नीचे क्या है आर में है, ठीक। ये आ गया हमारी क्या हो गई, टोटल एवरेज स्पीड, क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस जो टॉपिक था कोर्स 9th में, केवल उसका थोड़ा सा पार्ट है, ज्यादा नहीं है, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस की हम बात कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी ये हमें इसी में मिलेंगे, ठीक है। तो सपोज करिए, देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब हम स्पीड को देखते हैं वो स्पीड की बात कर रहा है। सपोज करिए कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरी एक हाईवे था, यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट्स बने हुए थे, ये ए है ये बी है, यहाँ से कार जो चलना चालू हुई ये कार मूव कर रही इस डायरेक्शन में। अब हमारे पास एक जब है तो हमसे बोला गया कि ये बताओ कि ए पॉइंट पे कार की स्पीड, ये कार की स्पीड कितनी होगी। तो जब कार ए पे होगी तो स्पीड स्पीड सपोज करिए उस टाइम थी 50 किलोमीटर पर आर, और जब बी पे थी तो इसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आर, ठीक। तो अगर वो हमसे पूछता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए पर्टिकुलर टाइम पे कितना है, तो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यानी ए के टाइम पे जब ए ऑब्जर्व कर रहा है या पॉइंट ए पे थी कार, तो इसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आर। इसका मतलब ये नहीं कि 50 किलोमीटर पूरे इस दौरान होगी ना, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है ही नहीं, ये चेंज हो रही है, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी थी 50 किलोमीटर पर आर। और हम जब बी पे देखेंगे तो बी पे कितनी बता रही है 80 किलोमीटर पर आर,
तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही ये बताता है कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस व्हीकल की या उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है। ये ठीक यही सेम इंस्टेंटेनियस स्पीड कौन बताता है, हमारा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर में देखिएगा, जब भी जो हमारी निडल होती है ऐसे ये होता है, तो ये ऐसे रहता है, हम जैसे अपनी स्पीड को चेक कर रहे होते हैं तो हम जब देखते हैं तो पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए तो देखते हैं, ऐसा तो नहीं हम कंटिन्यूस अपने स्पीडोमीटर को देखते हैं तो स्पीड दिखती रहेगी। हम जैसे ही पर्टिकुलर इंस्टेंट में देखते हैं, हमने देखा यहाँ पे कि सपोज इसकी स्पीड थी 30, फिर हमने नेक्स्ट एक फिर 15 मिनट बाद देखा या 15 मिनट कुछ टाइम बाद देखा, तो हमने देखा इसकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। तो जो हम ये स्पीड बार बार चेक कर रहे हैं ना स्पीडोमीटर में, वो क्या कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड को चेक कर रहे हैं। ठीक, इंस्टेंटेनियस स्पीड को चेक कर रहे हैं। तो स्पीडोमीटर क्या बताता है, स्पीड बताता है व्हीकल की कौन सी, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को अगर समझना है तो सिंपल से ब्रैकेट में एक चीज मैं लिख दूंगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। इट इज ऑल्सो अ स्पीड विथ डायरेक्शन। बस सेम स्पीड ही है, बस क्या ऐड हो गया इसके अंदर, डायरेक्शन ऐड हो गया। तो अगर डायरेक्शन किसी चीज़ के संग ऐड हो जाएगा तो ये कैसी क्वांटिटी बन गई हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। और अगर ये स्पीड ही है तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट, इट इज ऑल्सो सेम, दैट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगर मैं इसे डेफिनेशन के फॉर्म में लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी डेफिनेशन, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। ये हो गई हमारे पास डेफिनेशन, यानी क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ बॉडी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इट्स अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब देखो डायरेक्शन के संग जब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होगे देन इट विल बी अ डिस्प्लेसमेंट, पर लेकिन अभी बता क्यों रहा है, क्योंकि डिस्टेंस के कितना ट्रेवलिंग की हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर यूनिट ना यूनिट टाइम, कितने टाइम के अंदर। इसको हम और भी कुछ एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं इसकी, अगर हम लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एट, इट कैन बी डिफाइंड as the rate of change of displacement, यानी कि एक पोजीशन में सपोज करिए एक से बी पे कोई ऑब्जेक्ट पहुंच गया तो कितना चेंज जो हुआ है उस चेंज के टाइम में, यानी उसने कितना चेंज किया उस पर्टिकुलर पर यूनिट टाइम में, दैट विल बी व्हाट, अ वेलोसिटी। क्लियर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी is equals to change in displacement upon time taken for that particular displacement। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेम वही v का सिंबल स्पीड के लिए, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। यहाँ पे ये डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज, ये याद रखेगा, इस डेल्टा का मतलब होता है, इसको बोलते हैं डेल्टा, और इसका मतलब होता है चेंज, यानी कितना चेंज हुआ। x विल बी द डिस्प्लेसमेंट, हम x को, अब देखो डिस्टेंस को हम s से ले रहे थे, ठीक, और यहां पे हम x को क्या बना रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस ले रहे थे और इसको हम ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। सिंबल हम अपने उस पे भी ले सकते हैं, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सिंबल हमें जो दिया है वही लेना हो। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक, क्लियर। नाउ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम होगा बिल्कुल स्पीड की तरह, जैसा हमने स्पीड में पढ़ा है। ठीक, जस्ट हम क्या करते हैं इसमें, जस्ट वी मेंशन द डायरेक्शन ऑल्सो, मेंशन द डायरेक्शन ऑल्सो, बस सिंपल सा हो गया। तो हमारा फॉर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी वही चीज़ होती है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, इसमें कौन से ग्राफ, स्ट्रेट लाइन और कर्व नॉन यूनिफॉर्म के लिए ये बनेंगे। अब हम पढ़ेंगे आगे इसी में वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी।
तो अभी हमें पता था कि वेलोसिटी इज व्हाट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, यही होता था। तो अब डिस्प्लेसमेंट जो होती थी वो हमारी किस पोजीशन में होती थी, एक होता था इनिशियल पॉइंट पे लिए और दूसरा होता था हमारा फाइनल के लिए। तो इनिशियल से फाइनल के बीच में जितना भी चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट क्या, ठीक, और टाइम लगा, दैट विल बी द एवरेज वेलोसिटी। तो इसमें इनिशियल के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं यू से और इसको हम डिनोट करते हैं वी से, क्लियर। क्योंकि अगर अल्फाबेटिकली इसका कोई वो नहीं है, बल्कि अल्फाबेटिकली हम देखें तो यू पहले आता है, वी बाद में आता है, इसलिए इनिशियल को हमने बोला यू से और फाइनल को बोला हमने वी से। द इनिशियल जो होता है वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ से हमारी जर्नी या फिर हमारा ऑब्जेक्ट मूव करना चालू करें, और फाइनल भी द फाइनल पार्ट या फिर डेस्टिनेशन पार्ट, कि जहाँ पे वो लास्ट एंड अप हो रहा है, मीट ना एंड हो रहा है उसका, ठीक। तो अब देखो अगर इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में ही निकालना है, तो जब दो वैल्यूज़ हैं मेरे पास, तो जैसे हम एवरेज निकालते थे, तो किसी दो प्रोडक्ट निकालते थे, सपोज करो एक बुक है हमारे पास 10 रुपीज़ की और सेकेंड बुक है हमारे पास 20 रुपीज़ की, तो हम क्या करते थे, इनका एवरेज कैसे निकालते थे, फर्स्ट बुक प्लस सेकेंड बुक डिवाइडेड बाय 2, तो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हम इनिशियल प्लस फाइनल पोजीशन का जो स्पीड होगी या वेलोसिटी, वो स्पीड वेलोसिटी होगी वो, एंड डिवाइडेड बाय 2, तो यानी कि यू प्लस वी अपॉन 2 इज द एवरेज वेलोसिटी, ठीक। इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, सेम इसकी यूनिट रहेगी। इसको हम अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वी एवरेज सिंबल यू प्लस वी बाय 2 और बॉक्स में बंद, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा एक्सेलरेशन का, वो हमारा होगा पार्ट 3 में।